जहां एक ओर पहाड़ों पर रेल चढ़ाने की तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे गांव हैं जहां सड़क भी नहीं है। ऐसा ही एक गांव जनपद पौड़ी से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा नगड़ी जुगड़ी गांव है, जो आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी सड़क सुविधा से वंचित है। वर्तमान समय में इस गाँव में 15 से 17 परिवार मौजूद है। ग्रामीणों का कहना है कि वो कई बार जनप्रतिनिधियों से सड़क के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर साल चुनावी वादों के साथ जनप्रतिनिधि गाँव को सड़क जोड़ने की बात करते हैं। ऐसे में अब ग्रामीण लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि जब तक गांव को सड़क सुविधा से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक उनके गांव के सभी लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। पौड़ी से संवाददाता मुकेश बछैती की रिपोर्ट। बिल्कुल सही बात है कि 75 साल आज़ादी को हो गए हैं और फिर भी अगर किसी गांव तक सड़क नहीं गई है तो ये दुर्भाग्य है सरकार के लिए भी, और खासकर इसलिए दुर्भाग्य मैं कहूंगा क्योंकि नगरपालिका क्षेत्र में ये गांव आता है। नगणी जुगणी एक छोटा सा कस्बा है जो जहां लगभग 12 से 13 परिवार निवास करते हैं, लेकिन वहाँ तक अभी तक सड़क नहीं पहुँची है, जबकि यहाँ के लोगों ने और हमारे द्वारा लगातार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है। यहाँ तीन तीन डीएम पौड़ी में आए, उन तीनों को ज्ञापन दिया गया है जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, लगातार उनसे गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सड़क अभी नहीं पहुंची है गांव तक, तो काफ़ी दुर्भाग्य है, जिससे कि जो ये गांव के लोग हैं हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना इस दौरान करना पड़ता है। तो हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र में सड़क की सौगात इन्हें देनी चाहिए। हमें तो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी आज यहाँ सड़क सुविधा नहीं है। हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कोई बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें डंडियों के सहारे हमें अस्पताल पहुँचना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा यहाँ गुलदार का भी डर लगा रहता है, और छोटे बच्चे स्कूल 3-4 किलोमीटर पैदल जाते हैं, उन्हें भी बहुत परेशानियां होती है, कभी बारिश हो जाती है, फिर रास्ता भी हमारे यहाँ ढंग का नहीं है। नगर पालिका में होने के बजाय भी यहाँ अभी सड़क से हमारा गांव वंचित है सड़क से, और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ रोड की कोई सुविधा नहीं है। 75 साल आज़ादी होके हो गई फिर भी यहाँ कुछ सुविधा नहीं हुई। डंडे के सहारे हम ऊपर ले जाते हैं, उनको सहारा करके फिर ये दिक्कत हो जाती है हमें आगे। जैसे आपके बच्चे भी हैं, लगातार बाघ गुलदार का भी आतंक छाया हुआ है, तो कितनी दूर आपके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं? हमारे बच्चे यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर बहुत परेशानी से झेलते हैं। कभी बारिश लगी होती है, बाघ झेलना, हर कुछ का झेलना यहाँ बहुत दिक्कत आ जाता है हम लोगों को।